मीटिंग खत्म हो चुकी है। मीटिंग दे विज्ञान भवन तो बाहर आ चुके हैं साढ़े नाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने। चढ़ूनी साहब की रहा जी सिट्टा ते किवें रही जी? देखिए आज की जो मीटिंग है वो बेनती जा रही है, जो प्रपोजल उन्होंने रखी थी वो कल हमने जो मीटिंग की थी उसमें वो पास नहीं, उसमें उसको रद्द कर दिया गया था। और जो हमारी दोनों मांगे थी कि पूरी तरह से कानून रद्द करें और MSP की गारंटी का कानून बनाएं, वही हमने आज दोबारा से उनके आगे दोहराई थी और उसको उन्होंने अमान्य कर दिया है। और यहीं पे आके मीटिंग बस खत्म हो गई है, कोई रिजल्ट आज की मीटिंग का नहीं निकला। आज की आगे की डेट मिली कोई? नहीं, आगे की डेट कोई नहीं मिली। अब तो 26 तारीख के बाद ही कुछ देखेंगे, 26 का आंदोलन जो होगा उसके बाद ही कोई तारीख देखेंगे। थैंक यू। डल्लेवाल जी दे कोल चलते हैं। डल्लेवाल जी देखो अज की मीटिंग स्पष्ट जी गल यही है कि कोई ये नतीजा नहीं निकलिया। जिहड़ी प्रपोजल सरकार ने सानू परसों वाली मीटिंग दे विच दित्ती सी उहदे ते कल मतलब सारे ही संयुक्त किसान मोर्चा दीआं जथेबंदियां ने खुल के विचार चर्चा करन तों बाद उस नू प्रवान नहीं कीता सी और उहदे ते सारिआं ने मतलब सर्वसंमति नाल इह फैसला लै लिआ सी कि सानू प्रवान नहीं। इस करके इत्थे फिर मतलब सरकार दा उत्थे ही अपना रवैया उही सीगा कि जिहड़ी कल वाली प्रपोजल आ उहदे ते तुसीं की फैसला की है, तो असीं उहनां नूं क्लीयर कीता सी वी साडा कोई मतलब उहदे ते नहीं, उह साडा असीं उहदे ते अग्री नहीं आ। तो इस करके दोबारा सरकार ने एक बार फिर मतलब अपना टाइम बिच दी लिया और टाइम लाइन तो बाद दोबारा सरकार वालों यही सीगा कि तुसी भी सोचो असी भी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने वालों सरकार वालों दोबारा फिर आपकी उस स्टैंड पर सी तो किसान भी उस स्टैंड पर सी। इस करके मैं इस मीटिंग में मतलब होर कुछ नहीं निकलिया गया, इस मीटिंग मतलब सिट्टा रही है, बेनती जा रही है। सिरसा साहब हाँ जी की तुहाडा इहदे उपर विचार है जी? देखो जी सरकार जिहड़ी आ उह किसानां दे प्रति उहदा कोई भी हमदर्दी वाली कोई गल नहीं हैगी, वो उस अपनी गल दे अड़ी हुई है ते किसानां नूं वो जिहड़ा कुछ भी देण नूं तैयार नहीं है। छोटा जिहा प्रतिक्रम जी, नहीं मन्नी सरकार? बिल्कुल नहीं मन्नी। असीं 26 तरीक नूं अपनी परेड करांगे ते सरकार 26 नूं अपनी परेड करूगी, उस तों बाद की नतीजा निकलदा वह फिर अगे वेख लांगे। ठीक है। साडे नाल सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी भी बाहर आ चुके ने, एक मिनट वह गल कर रहे ने, उन्हां दे कोलों भी प्रतिक्रम लैने हैं कि मीटिंग बेसिट्टा क्यों रही, सरकार का रवैया किस तरीके का सी। लगभग पता तुहानूं लग चलिया कि अज की मीटिंग भी बेसिट्टा रही है, सरकार किसी भी गल दे उपर नहीं आई, सरकार उस गल ते अड़ी सी कि जो असी पिछली मीटिंग दे विच तुहानूं प्रस्ताव दिता सी असी उन्ना के अगे आ सकते हैं, अज सरकार ने कोई भी पहलकदमी नहीं की, जिस करके उवें दा उवें ही मीटिंग समाप्त करनी पई है। साडे नाल ने सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी। राजेवाल अंकल जी की रहा सवेर तो लैके शाम तक? थोड़ी कुछ नहीं, कुछ नहीं रहा जी। सरकार उत्थे ही खड़ी है, सरकार दा वतीरा अड़ियल है ते असी कल जो ऑफर सी ओ इन्हां नूं दस दित्ता सी वी ओह सानूं मंजूर नहीं। फिर 3-4 घंटे सानू बिठा के असी विचार कर लिए, तुसी भी विचार कर लो, हुण आके कह दिता उही प्रपोजल है, जे तुहानू पसंद है तां कल नू समझौता कर लो, नहीं पसंद तां फिर तुसी अपना रस्ता अख्तियार करो, असी अपना अख्तियार। असी हुण 26 तरीक ते ट्रैक्टर मार्च कर रहे हां जी। बिल्कुल 26 तरीक ते ट्रैक्टर मार्च कर रहे हां, बहुत वड्डी मतलब एक जिम्मेवारी दी गल है। दो गल्लां ने, जिहड़े लोग इत्थे आ रहे ने 26 तरीक नूं उन्हां ते बहुत कुछ निर्भर करदा है, जे तां ओह हो जाणगे हिंसक फिर सरकार जित गई, ते जे ओह रहणगे शांतमई तां इह सरकार गोडे टेकेगी, किसान जितेगा, किसान जितेगा जी। यही आपां अपील बार बार कर रहे हां कि आपां शांतिपूर्वक तरीके नाल ट्रैक्टर मार्च करना ते शांति बनाई, बिल्कुल शांति बना के रखनी है। सरकार दीआं बहुत सारियां एजेंसियां पब्बां भार हुई हैं, सारा कुछ तोड़ फोड़ करने वास्ते भी तैयार हुई हैं, सानू अपनी जिम्मेवारी का होर वध एहसास होना चाहिए। जदों असी रोज सरकार दे बंदे फड़ के लोगों के सामने नंगे करते हैं, कल एक बंदा फड़ के पुलिस के हवाले किया जिहदी ड्यूटी सी भी तेल सिट के अग लाउणी, मिट्टी का तेल पा के उधर अग लाने की ड्यूटी सी। तो इस तरह बहुत सारिया एजेंसियां सरकार दी सरगर्म हुई हैं, तो असी अपने अंदोलन का ध्यान करके खुद वलंटियर बन के इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना, अंदोलन शांतमई होवे। अंदोलन हुण 26 तरीक तो पहला असी कोई मीटिंग सरकार नाल करांगे कि जां ट्रैक्टर मार्च करन तो बाद करांगे? नहीं, हुण जे सरकार
ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਮਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਾਤ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਯੇ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਅੰਦਰ ਵਤੀਰਾ ਰਹਾ ਔਰ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ अपना प्रस्ताव दिया और कैसे उन्होंने आज सारा आपके साथ बातचीत करी। आज सरकार ने एक बहुत अजीब सा काम किया है। हमने तो क्लियरली बताया है कि उनका प्रपोजल हमको अनएक्सेप्टेबल है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का डिसीशन है, कम्युनिकेट किया है। सिर्फ 10-15 मिनट बातचीत आगे पीछे हुई होगी, उसके बाद उन्होंने कहा हम डिस्कस करेंगे, आप भी डिस्कस करिए बोल के उठ गए हैं। और कई घंटों के बाद जब वापस आते हैं, लगभग एक अल्टीमेटम जैसा उन्होंने दिया, कुछ नया प्रपोजल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, उतने देर वेट कराया है। ये तो बहुत अजीब सा मामला है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द डेडलॉक इज विद द गवर्नमेंट। वो लोगों के साथ या किसान संगठनों के साथ नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की है ये डेडलॉक ब्रेक करने की। थैंक यू। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।